कल यानी कि सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है और उससे पहले उम्मीदवार शशि थरूर से जी मीडिया ने खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर जी हैं। शशि थरूर जी, कल जो है चुनाव है आपकी पार्टी के अंदर अध्यक्ष को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबको कहता हूं कि आप पार्टी की भलाई के लिए और देश के भविष्य के लिए वोट कीजिए, और मैं चाहता हूं कि अगर हम बदलाव के साथ कांग्रेस को और मजबूत करें तो देश के लिए भी अच्छा होगा। इस बार जैसे कि अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि कुछ लोग नेतागिरी कर रहे हैं, क्योंकि मैं सुन रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे कुछ धमकी दे रहे हैं लोगों को कि आप इस किस्म के वोट देना चाहिए, कि सोनिया गांधी जी खुश नहीं होगी अगर आप थरूर को वोट दिया, इस किस्म की बातें। तो मैं सिर्फ कह रहा हूं कि सोनिया गांधी तो स्पष्ट कहा है कि वो निष्पक्ष है, पार्टी ने कहा है कि वो आधिकारिक उम्मीदवार कोई नहीं है, और अंत में मिस्त्री जी जो इलेक्शन चला रहा है, जो चुनाव का इलेक्शन अथॉरिटी का नेता है, उसने कहा है कि मतदान गुप्त होंगे, किसी को पता नहीं चलेगा किसी कौन कहां वोट दिया किसके। तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए, आप मन की इच्छा के अनुसार वोट कीजिए, आपका जो अंतरात्मा आपको कहते हैं जो पार्टी के लिए अच्छा है, आप ये सोचिए। अपनी बात आपने आला कमान के सामने रखी, अपनी बात क्या आपने आला कमान के सामने रखी कि इन नेतागिरी लोगों के बारे में? नहीं, उससे ज्यादा नहीं कहना चाहता अभी के लिए। हम सब एक ही पार्टी में हैं, हम सहयोग है, एक साथ काम करना पड़ेगा चुनाव के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर, जिन्होंने बताया कि जो लोग पार्टी में नेतागिरी कर रहे हैं उनको लेकर के अभी फिलहाल कुछ खुल के नहीं कहना चाहते, लेकिन निश्चित तौर पर जो भी चुनाव जीते वो कांग्रेस के लिए काम करे। कैमरामैन रामबालक के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया। कल यानी कि सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है और उससे पहले उम्मीदवार शशि थरूर से जी मीडिया ने खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर जी हैं। शशि थरूर जी, कल जो है चुनाव है आपकी पार्टी के अंदर अध्यक्ष को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबको कहता हूं कि आप पार्टी की भलाई के लिए और देश के भविष्य के लिए वोट कीजिए, और मैं चाहता हूं कि अगर हम बदलाव के साथ कांग्रेस को और मजबूत करें तो देश के लिए भी अच्छा होगा। इस बार जैसे कि अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि कुछ लोग नेतागिरी कर रहे हैं, क्योंकि मैं सुन रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे कुछ धमकी दे रहे हैं लोगों को कि आप इस किस्म के वोट देना चाहिए, कि सोनिया गांधी जी खुश नहीं होगी अगर आप थरूर को वोट दिया, इस किस्म की बातें। तो मैं सिर्फ कह रहा हूं कि सोनिया गांधी तो स्पष्ट कहा है कि वो निष्पक्ष है, पार्टी ने कहा है कि वो आधिकारिक उम्मीदवार कोई नहीं है, और अंत में मिस्त्री जी जो इलेक्शन चला रहा है, जो चुनाव का इलेक्शन अथॉरिटी का नेता है, उसने कहा है कि मतदान गुप्त होंगे, किसी को पता नहीं चलेगा किसी कौन कहां वोट दिया किसके। तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए, आप मन की इच्छा के अनुसार वोट कीजिए, आपका जो अंतरात्मा आपको कहते हैं जो पार्टी के लिए अच्छा है, आप ये सोचिए। अपनी बात आपने आला कमान के सामने रखी, अपनी बात क्या आपने आला कमान के सामने रखी कि इन नेतागिरी लोगों के बारे में? नहीं, उससे ज्यादा नहीं कहना चाहता अभी के लिए। हम सब एक ही पार्टी में हैं, हम सहयोग है, एक साथ काम करना पड़ेगा चुनाव के बाद।